ओके जी, लास्ट सेशन रिगार्डिंग इंग्लिश वॉल्स एंड आई मस्ट से यू पीपल के इस वक्त हम लोग जो हैं वो जो डिफथोंग्स हैं वी आर गोइंग टू कंक्लूड आर डिफथोंग्स. इन द प्रीवियस सेशन वी ऑलमोस्ट डन जो है वो फाइव डिफथोंग्स जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इस वक्त हम लोग फर्दर जो रिमेनिंग डिफथोंग्स हैं हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं. और जो नेक्स्ट डिफथोंग जो मेरा आपके साथ डिस्कशन होगी दैट वुड बी द साउंड एज यू कैन से ईया. तो ये साउंड जो है वो हम ऑब्जर्व भी करेंगे कि ये किस तरह से प्रोनाउंस होती है. लाइक व्हाट वी कैन हैव द एग्जांपल ऑफ दिस साउंड. Yeah. It's ear. तो ये हमारे पास फिर से जो है वो नेक्स्ट डिफथोंग साउंड. It's ear. फिर इसी तर्ज के साथ हम लोग इसको फर्दर देख सकते हैं. It's fierce. हम लोग इसके लिए we usually call it fierce. No, it's fierce. Fierce. तो ये fierce. फिर इसी तर्ज से सीरियस. इट्स सीरियस. 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 तो ये जो है वो हमारे पास अगर हम लोग इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करें इस वॉल की तो वी कैन यू कैन से डिस्क्राइब दिस वॉल लाइक दिस वे. ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ ईयर द ग्लाइड स्टार्ट्स फ्रॉम अ फ्रंट अनराउंडेड वॉल जस्ट अबव द हाफ क्लोज पोजिशन एंड मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ
ये मूव करता है अनराउंडेड वॉल बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन. इट्स स्पेलिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डियर, ईयर, हियर, हियर, फिर जीरो. अब ये जो है अगर हम लोग इसको प्रोनाउंस भी करें तो हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड? Zero. It's zero. Eo. Zero. Zero. Phir fearless. Phir idea. So as regards the distribution, ear can occur initially, immediately, and finally, as in ear, serious, and fear, respectively. तो इस तरह से हम लोग इस वॉल को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये किस तरह से प्रोनाउंस होता है. नेक्स्ट वॉल इट्स फॉल. लेकिन ये यहां पर अप्रोप्रिएट नहीं होगा. I must say the example. Tour. It's tour. 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 It's tour. ये दोनों तरह से बोला जाता है tour, और ये आप देख सकते हैं सिंगल भी है और ये डिफॉर्म के साथ भी हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं. लाइक वॉट? फिर इसी तरह से वी हैव अनदर एग्जाम्पल लाइक इट्स अगेन ये सिंगल के साथ है लेकिन more. Yes, we can easily have the idea. ये single के साथ भी pronounce हो रहा है, single wall के साथ भी and double one के साथ भी. We can easily get this point. इसी तरह से
हम लोग फर्दर इसको देख सकते हैं. अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ आगे बढ़ें तो वी हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वॉल एज वेल. ड्यूरिंग द articulation of over, the glide starts from a back unrounded wall, rounded wall just above the half closed position and moves in direction of a central unrounded wall between half closed and half open position. Its spellings are represented by poor, over, tour respectively. As far as the distribution is concerned, over occurs medially and finally, as in poorly, and more, it does not occur initially in a word. ये wall, ये जो diff form है, ये कभी भी initial position के ऊपर नहीं आएगा. Chair. It's chair. Air. Chair. Air. Chair. तो ये हम लोग आसानी से इसको भी देख सकते हैं. Chair. It's chair. इसी तरह से हम लोग फर्दर ऑब्जर्व कर सकते हैं इन द वर्ड्स लाइक डेयरिंग. It's there, not there, it's there. We usually call it how dare you. It's how dare you. It's there. इसी तरह से अनदर एग्जांपल वी हैव एरोप्लेन. इट्स एरोप्लेन. एरो अब ये इस तरह से हम लोग जो है वो इन साउंड्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये किस तरह से प्रोनाउंस की जाती है.
ये आठ हमारे जो हैं वो डिफ्थोंग्स हैं। अगर हम लोग इस आठवीं की डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ ए द ग्लाइड इज फ्रॉम फ्रंट हाफ ओपन अनराउंडेड वॉल एज अ सेंट्रल अनराउंडेड वॉल बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन पोजिशन द स्पेलिंग ऑफ ए चेयर बैर फिर बैर फिर एरोप्लेन फिर इसी तरह से जो है वो देयर एज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन दिस डिफ्थोंग कैन अकर इन ऑल द थ्री पोजिशन ऑफ वर्ड इनिशियल मीडियल एंड फाइनल। तो इस तरह से ये जो हमारे डिफ्थोंग्स हैं ये इनकी तादाद 20 थी सॉरी आठ डिफ्थोंग्स थे और 12 जो थे वो मोनोफोंग थे। तो आठ डिफ्थोंग और 12 जो है वो मोनोफोंग को मिलाने से 20 इंग्लिश वॉवल साउंड्स जो है वो कंप्लीट हो जाती। इसमें एक और स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि इसके अलावा भी जो है वो वॉवल साउंड्स मौजूद हैं जिनको वो मतलब जो है वो ट्रिफ्थोंग्स का नाम देता है। तो लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ दोज साउंड्स एज वेल कि व्हाट आर वी कॉल द ट्रिफ्थोंग्स कि हम किन साउंड्स को जो है वो फर्दर ट्रिफ्थोंग्स के अंदर जो है वो शामिल करेंगे। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ट्रिफ्थोंग्स भी मौजूद हैं यानी कि थर्ड ग्लाइड भी मौजूद है। ये थर्ड ग्लाइड को वो कहते हैं कि जो थर्ड ग्लाइड है दो तो डिफ्थोंग्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन जो थर्ड वन है उसको वो अज्यूम करते हैं और इस वक्त कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है वो इनको रिकग्नाइज करती है। और अगर हम इन पांच ट्रिफ्थोंग्स को इंक्लूड कर लें तो हमारे पास जो जो हैं वो जो वॉल्स की तादाद हो जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो 25 हो जाएगी। और इस तरह से जो कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो साउंड्स हैं वो 44 हैं वो चेंज होके 49 पे चली जाएंगी अगर हम इस स्कूल ऑफ थॉट को मान लें। और ये बहरहाल ट्रिफ्थोंग्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ट्रिफ्थोंग इज अ यूनियन ऑफ थ्री वॉल्स are a glide from one wall to another and then to the third, all produced rapidly without interruption. Or, for example, a careful pronunciation of the word. अब अगर हम लोग इसको देखें, जैसा कि वो मिसाल भी हमारे सामने quote कर रहा है, अगर हम लोग इस sound को देखें, player, it's player, तो ear, player. अब हम लोग इसको player पढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर कैम्ब्रिज डिक्शनरी इट्स ए तो अब ये तीन साउंड्स जो है वो इकट्ठी हो रही तो इसको हम लोग जो है वो फिर ट्रिफ्थोंग्स के मतलब जो है वो दायरा कार में लेके जाए। अब अगर हम लोग देखें तो ग्लाइड फ्रॉम वन वॉल टू अनदर एंड देन टू द थर्ड ऑल प्रोड्यूस रैपिडली विदाउट इंटरप्शन कि तमाम जो है वो रैपिडली और बगैर इंटरप्शन begins with a ball to a goes to o and a jo hai us pe khatam hota hai it's our so triphthongs five closing diphthongs and ending with schwa added on the end to phir ear jaise player phir layer phir isi tarah se I to phir liar ab isko agar hum log dekhen to how it is pronounced लेकिन यहां इसने इसके लिए मतलब जब वो डिफ्थोंग यूज किया है फिर आए फिर इसी तरह से लॉयल तो आए आए तो ये फिर ये साउंड जो है वो रॉयल आए तो इसी तरह से आओ लॉ लोअ फिर मोअ फिर इसी तरह से आओ इन पावर फिर आओ
अब ये मतलब जो है वो प्रोनाउंस किए जाते हैं, लेकिन कुछ डिक्शनरी जो है वो अभी भी इनको डिफथोंग्स के तौर पर यूज करती हैं। तो इस वजह से ये जो ट्रिपथोंग्स हैं इनके ऊपर एक कंट्रोवर्सी बहरहाल मौजूद है, और ये कंट्रोवर्सी जो है वो कुछ स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि ये ट्रिपथोंग्स हैं और कुछ कहते हैं ये डिफथोंग्स हैं। मोर और लेस अगर हम इस कंट्रोवर्सी को मतलब एक्सेप्टेड मान लें, तो इस तरह से हमारे पास जो एक्सेप्टेड वॉल साउंड्स होंगी वो हमारे पास 49 चली जाएंगी इंग्लिश लैंग्वेज की। लेकिन अगर हम लोग इसको स्किप कर दें तो हमारे पास जो एक्सेप्टेड साउंड्स हैं दे आर 44, जिसमें 24 हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं और जो है वो 20 हमारे वॉल्स हैं। वॉल्स में हमारे पास जो 8 हैं वो हमारे डिपथोंग्स हैं, और जो 12 हैं वो हमारे सारे के सारे जो हैं वो मोनोफोन्स हैं। जब हम लोग जिस तरह से हम लोगों ने मोनोफोन के हवाले से हमने डायग्राम देखी थी, इसी तरह से डिपथोंग के लिए भी है। इस तरह से हम लोग जो है वो डिपथोंग्स को बताएंगे कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है और इख्तिताम कहाँ पर हो रहा है, और ये डिपथोंग्स जो हैं ये हमारे मैनेज करते हैं कि किस तरह से ये कौन से वॉल्व हैं वो किस तरह से हमें नजर आते हैं। शुरू कहाँ से हो रहा है और इख्तिताम कहाँ पे हो रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल आर डिफथोंग्स। दैट्स ओवरऑल अबाउट योर यू कैन से इंग्लिश वॉल्व, और ये हमारा कंक्लूड हो चुका है। इसमें मजीद फर्दर जो है वो हमने और कुछ भी इंगेज नहीं करना।